हाय दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज एक शॉप पे काम करने आया हूँ। यहाँ पे कंप्लेंट थी कि डबिंग और लाइनिंग आ रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें डबिंग और लाइनिंग की देख रहे हैं आप, देखो MNP लिख केंद्र लिखा हुआ है, इसमें डबिंग है मतलब डबल लाइनिंग आ रही है किनारे पे। दूसरी चीज़ ये देखेंगे हम, दूसरा कैमरा देखो, ये लड़का खड़ा है आस्तीन पे, इसके डबिंग आ रही है मतलब जाली टाइप। तो इसमें होता क्या है अक्सर, ये तीसरा कैमरा है, इसमें भी ये बार बार झिलमिल कर रहा है। ये देखो आप देख पा रहे हैं झिलमिल आ रही है इसमें। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि इसमें प्रॉब्लम, जहाँ तक मेरी राय है, मैं कर पाता हूँ काम जो देख पाता हूँ मैं हर जगह, तो इसमें कनेक्टर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो हमारा BNC कनेक्टर होता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये मैंने कम से कम 1.5 साल पहले सेटअप लगाया था। ये कैमरा है, ये कनेक्टर लगे हुए हैं, ये मोबाइल एसोसरीज की शॉप है। तो इसमें ये आपकी आप देख पा रहे हैं, मैं DVR की साइड देख रहा हूँ। तो इसमें ये कनेक्टर देखने हैं हमें सबसे पहले कि इसमें ये पावर, तो और एक प्रॉब्लम ये भी होती है, पावर सप्लाई जो होती है पावर कम कर देती है, तो जब ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं इनको खोल रहा हूँ एक बार, आप देख पा रहे हैं जैसे ये माइनस की तार है और इससे पहले जो खोली थी ये प्लस है, ये मैंने आपके खोल दी है। और अब मैं इनके BNC कनेक्टर DVR में से निकाल रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं अपना, कनेक्टर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्या होता है इन पे, लोई की अलोई की होती है, तो इसमें प्रॉब्लम आ ही जाती है 1.5 साल में। और टेप भी इन्होंने हटा रखा, पता नहीं क्या वजह हुई हो बीच में, तो ये गंदा हो रहा काफ़ी टाइप, काफ़ी गंदा हो रहा है ये। तो मैं इसको सफ़ा कर लेता हूँ, और सफ़ा करने के बाद इसको नए तरीके से कनेक्शन बनाने हैं आपको, जैसा आप बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं जैसे मैं बना रहा हूँ, ये मैंने काट दी है वायर XR, ये मैं नई तरीके से कनेक्टर आपके बना रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये कनेक्टर मैंने अब छील लिए है वायर, और मैं BNC जोड़ रहा हूँ इनको। आप देख रहे हैं वीडियो की तार अलग है, जो 3+1 वायर होती है, ये मोटी वायर है। वैसे तो काम करने वाले हैं सभी को पता है, लेकिन फिर भी जो अनजान लोग हैं जो देख के कर लेते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है। कभी कभी दूर कंप्लेंट में नहीं जा पाते, जो बंदों के यहाँ प्रॉब्लम होती है, तो वो खुद ही भी कर सकते हैं ये काम। आप देख रहे हैं बहुत इजी है, ये एक मोटी तार होती है इसमें, और ये 3 पतली होती है, इसके लिए बोलते हैं इसको 3+1। तो इसमें मोटी तार में आपका एक अंदर तार निकलेगी और एक जाली, तो जाली जो होती है वो माइनस होती है, और जो मोटी तार होती है वो आपका प्लस होती है। जब आप देखेंगे इसको तो आप समझ जाएंगे, नए बंदे या जिन्होंने काम नहीं करा, और जिन्होंने काम कर रखा है उनके साथ अगर ये प्रॉब्लम आती है, और अगर दूर नहीं होती, तो ये ज़्यादातर BNC की प्रॉब्लम होती है। जैसे आप देख रहे हैं ये मैंने कनेक्टर बना दिए हैं, मैं अब टेप लगा रहा हूँ इन पर, टेप प्लस दोनों तार टच ना हो, जो आप दो तार जोड़ रहे हैं वीडियो और माइनस, ये आपस में एक तार भी इसमें टच नहीं होनी चाहिए आपस में, दोनों तार अलग अलग ही हो। टेप अच्छे तरीके से लगाए, मतलब दबा के, जैसे मैं आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, मतलब आप अपने तरीके से भी टेप लगा सकते हैं, लेकिन तार टच नहीं होनी चाहिए आपस में एक दूसरे से। ये 3 कैमरे हैं यहाँ पे, और ये मैंने तीनों की तारें इकट्ठे कर रहा हूँ मैं। अब ये हम देख पा रहे हैं आपके सामने कि इसमें अभी ये माइनस प्लस की तारें हैं, जो 3-3 तारें हैं, लेकिन हमें 2-2 तारें लेनी है, माइनस और प्लस। ज़्यादातर माइनस ब्लैक होती है, वैसे तो अपनी मर्ज़ी से हम बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्लैक ही माइनस बनाते हैं और लाल प्लस होती है। तो ये मैं तार छील रहा हूँ, तो इन तार छीलने के बाद आप देखेंगे ये माइनस माइनस एक जगह कर देंगे हम, और प्लस प्लस एक जगह कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें एक हरी तार जो आप देख पा रहे हैं, वो किसी कैमरे की एक तार ख़राब थी, तो उसमें हमने काली की जगह हरी को माइनस बनाया है, रेड एक जगह है, ब्लैक एक जगह है। आप देख रहे हैं, देखो अब मैं रेड कर रहा हूँ एक जगह, और ब्लैक एक जगह कर दी है मैंने। तो ये अब हम पावर सप्लाई में जोड़ेंगे,
इनको सही तरीके से आप एक सार कर लीजिए, दोनों को ये तीन तीन तारे हो गई जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अब हम इनको पावर सप्लाई में जोड़ते हैं। पावर सप्लाई में माइनस और प्लस का लोगो होता है, जैसे कि आपको मैं अब ये दिखा रहा हूँ, ये पावर सप्लाई है, SMPS बोलते हैं इसको। इसमें माइनस पे प्लस, माइनस का निशान होता है और प्लस पे प्लस का निशान होता है। ये मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। ये अब हम इसको नीचे करेंगे तो इसमें देखो आप देख रहे हैं ये प्लस हैं दो तार, मतलब ये 8 चैनल की पावर सप्लाई है। हम 4 इसमें लगा सकते हैं और 4 इधर लगा सकते हैं, मतलब इसमें 8 लगा सकते हैं, लेकिन हमारे अभी 3 कैमरे हैं तो हम इसमें ये प्लस में हमने रेड लगा दिए। देख पा रहे हैं आप, इसको हम इसको सही तरीके से कस देंगे कि वैसे ना निकले। पेच खोलेंगे और इसको कस देंगे जैसे कि मैं कस रहा हूँ। ये हमने अब कस चुके हैं हम। अब दूसरी देखेंगे हम, माइनस में हमें लगानी ब्लैक। ये 2 माइनस है, इनमें से किसी में भी हम लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक में लगानी है या इधर वाली में लगानी है, कोई सी किसी में भी लगा सकते हैं। और इधर जो आपका लेन होता है, अभी मैं पावर सप्लाई का ये जो उठा हुआ है इसको बंद करेंगे कि बाई चांस किसी के हाथ वगैरह ना लगे, ये आपका बंद हो गया। इधर जो रेड कलर में लेन आ रहा है इनपुट, ये वायर होती है लाइट की। और अभी आप BNC देख पा रहे हैं, तो ये मैं अब DVR की साइड कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने आपको तीनों कनेक्टर BNC के नए बना दिए हैं और ये अब मैं लगा पा रहा हूँ आपके सामने, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से ज़्यादातर इसमें BNC के 90% चांस होते हैं ख़राब होने के, 1-1.5 साल बाद इनमें कार्बन या हिलना झुलना ज़्यादातर प्रॉब्लम आई जाती है, तो इनकी सर्विस होनी ज़रूरी होती है। सर्विस में ज़्यादातर कनेक्टर ही प्रॉब्लम होती है, वैसे देखते हैं, वैसे तो 90% प्रॉब्लम कनेक्टर की होती है। तो आइए अब हम चलते हैं कैमरों की साइड। ये कैमरे की साइड हम आ चुके हैं। अब कैमरे के हम कनेक्टर बदल रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो कैमरे के कनेक्टर में देख रहे हैं आप, देखो रेड, और जिन भाइयों को पता है उनके लिए तो कोई इतनी बड़ी बात है, और जिनको नहीं पता तो आप देखेंगे ये जो मैं खोल रहा हूँ इधर भी सेम वायर है दूसरी साइड की, तो वीडियो की और माइनस बिल्कुल 3+1 वायर है। तो आप देख रहे हैं ये देखो, इसमें ये 5 वायर हैं सेम उधर की, तो इसमें हम हरी को छोड़ देंगे। इसको भी नई तरीके से आपको बनाना है क्योंकि कार्बन आया हुआ वगैरह होता है, टेप का भी जो अपना ये चिपचिपापन होता है ये भी अपना पसे हुए छोड़ता है, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो मैं ये तार छील रहा हूँ आपके सामने, देखो ब्लैक और रेड, और ये आपकी हो गई वीडियो वाली येलो कलर की जो तार है, ये हो गई आपकी जाली, और जो बीच में होती है ये होती है जाली वीडियो की प्लस। ये जो मैं स्टेम कर रहा हूँ ये है वीडियो, आप देख रहे हैं। तो इसको सही तरीके से आप छीलें, जो भी पसे वाला हो वो दूर करें इसका सही तरीके से। तो ये मैं वीडियो की तार आपके सामने छील रहा हूँ, और इसी तरीके से इसमें BNC आपको येलो में लगानी है। ये मैं जैसे आपको लगा रहा हूँ जाली में आपको वाइट लगानी है। अगर BNC में रेड और वाइट है तो माइनस वाइट ही होगी और प्लस रेड होगी। किसी किसी BNC में हरी भी आती है तो हरी और लाल में भी लाल ही प्लस होती है, हरी माइनस होती है, और अगर हरी और ब्लैक आए तो हरी प्लस होती है। आप चेक भी कर सकते हैं मीटर पर काम करने वाले जो हैं, और जिन्हें काम करना नए बंदे हैं जिन्हें पता नहीं है कौन सी तार किस में जोड़ें, तो वो उसमें हम दोनों साइड जैसा इधर जोड़ रहे हैं वैसा ही दूसरी साइड जोड़ें। BNC की तार अगर आपने लाल भी माइनस में जोड़ दी, और सेम अगर आप जोड़ते हैं उधर की साइड भी DVR की साइड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जोड़नी सेम है। अब मैं आपका ये DC पिन लगा रहा हूँ, ये होती है पावर की, जो पावर में रेड ऐसे ही, इसमें DC में भी ऐसे ही होता है कि वाइट और रेड है, लेकिन वाइट माइनस होगी और रेड प्लस होगी। बाय चांस किसी ने इसमें भी कलर वाई आता है, किसी में ब्लैक भी आता है, किसी में वाइट भी आता है, हरा भी आता है, ब्लू भी आता है, इसमें जैसा भी कलर है आपको, अगर इधर लाल में अब अगर आप काली जोड़ रहे हैं तो काली जोड़ें, अगर लाल जोड़ रहे हैं तो लाल, इसी तरीके से उधर आपको सेम जोड़नी है मतलब। और याद रहे ये जो मैं टेप लगा रहा हूँ, एक तार भी इसमें टच नहीं होनी चाहिए आपस में, एक तार भी अगर टच हो गई आपकी तो इसमें चांस होते हैं कैमरे फूकने के, क्योंकि 12 वोल्ट है, अगर वीडियो की तार से प्लस टच हो गई तो कैमरे उड़ने के 90% चांस होते हैं। तो याद रहे
इसमें एक तार भी आपकी टच नहीं होनी चाहिए। टेप इस तरीके से लगाएं आप, तार को अलग अलग करके, सारी तार आपकी अलग अलग होनी चाहिए। जो आपने चार तारें जोड़ी, वीडी और माइनस और प्लस और माइनस, ये आप देख पा रहे हैं मैं बीएनसी लगा रहा हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन का क्लिक करें कि आने वाली वीडियो का पता चल सके। तो चलते हैं डीवीआर की साइड, और ये हम आ गए हैं। डीवीआर हमने ऑन कर दिया है, ये आप देख पा रहे हैं, ये कैमरा है, जूम करके देख रहा हूँ, ये दूसरा कैमरा है। देखें आप, पहले जहाँ पे MNP केंद्र लिखा हुआ है, यहाँ पे डबिंग आ रही थी, इस टाइम डबिंग नहीं आ पा रही है। और दूसरी साइड ये देखते हैं हम, देखो आप देख पा रहे हैं कि अब डबिंग नहीं है, एकदम क्लियर है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।